TV Big F with Gautam Gulati. सोचे पतंग दो मेरी पहले तुम दो क्या एड्रेस एड्रेस मुझे जयंती लाल पारिक जी के घर जाना है क्या तुम मुझे उनका एड्रेस बता सकते क्या काम है मुझे उनकी लड़की देखनी है शादी के लिए ओ फिर तो नहीं दे सकते नहीं दे सकते अब भाई क्या मुझे तुम जयंती लाल पारिक जी का घर बता सकते हो नहीं हो तो तुम यहाँ की गुंडी हो राइट गुंडी नहीं चैंपियन पतंगबाज है हमारी दीदी आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इनकी पतंग काट सके सुना वाह थैंक यू चल दीदी पतंग तो दे दो हमारी पारिक जी का घर यू वेलकम आगे मंदिर से लेफ्ट और फिर तीन घर छोड़ के राइट कोने वाला घर है पारिक जी का चलो ना भाभी सब पतंग उड़ा रहे मेघना प्लीज मेरी बात को समझ में नहीं चल सकती मुझे कुछ नहीं पता आप मेरे साथ पतंग उड़ाने चल रहे हो एंड दैट्स फाइनल प्लीज मेघना जाने दो मुझे प्लीज भाभी प्रॉब्लम क्या है थोड़ी देर की ही बात है बापू जी ऑलरेडी दुकान जा चुके हैं और भाभी अभी थोड़ी देर में मोहल्लों के औरतों के साथ आपकी बुराई करने जाने वाली है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा प्लीज चलो ना भाभी मेघना क्यों जिद कर रही हो चलो छोड़ो मेरा हाथ जाने दो मुझे चलो भाभी आप ना एकदम नई नवेली दुल्हन के जैसे साउंड कर रहे हो चलो मेरा हाथ छोड़ो ना हटो सॉरी भाभी अच्छा भाभी मैंने आपका काम कर लिया टेंटन है फाइनल ईयर का एडमिशन फॉर्म मेघना क्या मजाक है ये अरे इसमें मजाक वाली क्या बात है आपने लास्ट ईयर तो ये एग्जाम इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि आपकी शादी थी तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा ना अगर बा और बापूजी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे भाभी प्लीज ग्रेजुएशन तो आपका सपना था ना सपने तो बहुत थे पर अब वो बस यादें कड़वी यादें ऐसा कुछ नहीं है आप बा से बात करो और बा हाँ बोलेंगे अभी प्लीज ये लो ट्राई तो करो बच्चों वाली जिद है पर अरे सत्यानाश था ये कारू आज मेरी शौर मिलेगी कि नहीं बाप बस अभी लेके आई वही काम ढंग से नहीं होता मेरी बेटी को तो खा गई अब मुझे भी खाएगी बा बोल आपको देर नहीं हो रही मोहल्ले की सारी लेडीज आपका वेट कर रहे होंगे ना भाभी की बुराइयां सुनने के लिए तो चुप कर इसके साथ रहकर ना तेरी भी जबान कैची की तरह चलने लगी है सुतो यू हवे हाँ टोक लगा दी ना जाते जाते सॉरी बा वो मैं कह रही थी कि आपको पूछना था कुछ अब बोलेगी भी कि गले में आवाज अटकी रहेगी तेरे वो पूछना था कि रात को मैं खाने में क्या बनाऊँ आप क्या रात को क्या बनाऊँ तेरा नाश है तारू कुछ भी बना दे बस खाने में जहर मत मिलाना बात तो ऐसे करे जैसे पंच पकवान बनाएगी कह रही हूँ खाने सॉरी तू जानती है ना मुझे बात से बहुत डर लगता है आप ऐसे ही डरते रहो और साल पे साल ऐसे ही निकलता जाएगा अच्छा चल आई एम सॉरी तुझे
पतंग उड़ाने का मन कर रहा है ना? खींचो खींचो वहीं से, देख के देख के। आपकी बारी। नहीं तोड़ा ना, अगर किसी ने जाके बाया बापूजी को बोल दिया तो तुझे पता ही है ना क्या होगा। कम ऑन भाभी, आपको पतंग उड़ाने का पहले से शौक है ना, ये लो। वक्त जब खुशियां छीन लेती है तो शौक भी अपने आप ही छीन जाते। अरे तोड़ा ना, अरे देख तेरी पतंग देख। जब बुला रहे, तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, चल आजा। तब पैर छू अपनी बा और बापूजी के। जीत रहो। भाभी मेरी पतंग। Cheers for my भैया and my भाभी, मेरी पतंग बचा ली। अरे सत्यानासी, तारो नखोज जाए, अभी पति को मरे एक साल भी नहीं हुआ और तू यहाँ पतंग उड़ा रही है। बहुत खुशी है ना तुझे उसके मरने की? नहीं बा, भाभी तो सिर्फ मेरे साथ। तारो मोड़ू बंद रख, वो अच्छे ना बोल। डायन खा गई मेरे बेटे, जिस दिन से इसके मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं ना, 10वें दिन ही मेरा निमेश मर गया। अगर उस रात तू उसके साथ चली गई होती ना तो आज मेरा निमेश जिंदा होता। बा बस करिए, क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का। और हम सब जानते हैं कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें निमेश भैया की गलती थी। वो शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे फुल स्पीड में, और आप बाप इस सब का इल्जाम जया पे कैसे लगा सकती हैं? ए तू चुप कर, भगोड़ों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जिस दिन तूने दुकान छोड़ के ये मर्चेंट नेवी में दाखिला लिया है उस दिन से तू इस घर का हिस्सा नहीं रहा, समझे? और सुन, तू यहाँ सिर्फ मेहमान है, मेहमान। मेहमानों की तरह यहाँ कुछ दिन रह, खा पी और वापस जा, समझा? ठंड पड़ गई तेरे कलेजे में, अब जा जाके चूल्हा जला। बापूजी ये देखो, नकुल भैया को बहादुरी के लिए ये मेडल मिला है, देखा? ये इसकी गर्दन काली करवाने का इनाम होगा। पता नहीं बाहर काम करने जाते हैं टैटू बनवाना। भाभी आप खाना खा लो, मैं लेती हूँ। नहीं मैं रख लूंगी।
भाभी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। तो मैं हेल्प करने के पैसे नहीं लेता। पता नहीं मेरी व्हाइट शर्ट थी मिल ही नहीं रही। व्हाइट ये वाली तो नहीं। अरे ये क्या हुआ? अरे पता नहीं शायद धुलते वक्त किसी और कपड़े का रंग लग गया। यार मुझे एक ऑफिशियल मीटिंग में जाना था और इसका भी बटन टूट गया। बस बटन ही टूटा है। लाओ मैं दो मिनट में लगा देती हूँ। हाँ ठीक है सॉरी। सुई धागा कुछ है? हाँ मेरे पास। भाभी आप पहले ये भरो। तू फिर से स्टार्ट हो गई। कहा ना मैंने कि भाभी प्लीज कल एडमिशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डे। तो क्या फर्क पड़ता है मेघना? एडमिशन किसका? फाइनल ईयर एग्जाम का। भाभी अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नकुल भैया समझाओ ना इन्हें। जया आई थिंक मेघना ठीक कह रही है। तुम्हें ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना चाहिए ना। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है सब कुछ और फिर भी तुम कह रहे हो। जया देखा तो तुमने भी सब कुछ है। बाबूजी मुझे किस तरह ट्रीट करते हैं और सब जानते हैं तो हमारी स्टोरी में इतना कोई फर्क नहीं है। और वक्त और हालात खुद नहीं बदलते, हमें बदलना होता है उन्हें हिम्मत करके। नहीं है मुझ में हिम्मत क्योंकि जानती हूँ मैं कि ना ही मेरा वक्त बदलने वाला है और ना ही मेरे हालात। ओ हेलो मैडम, हम 2015 में जी रहे हैं। तुम ये अबला नारी बनना बंद करो। और आज के टाइम में लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है। और कहाँ गई वो पतंगबाज जया? या तो तुम अभी ड्रामा कर रही हो या तब कर रही थी। लिसन जया। क्या है? कुछ रह गया है सुनाने के लिए? धागा। अरे सत्यानाश तो नखोज जाए, अभी तक सब्जी काट रही है। वो क्या? अच्छा सुन मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, खाना बना के रखना और हाँ मेरा कमरा साफ करके रखना एकदम चकाचक, समझी कि नहीं? जी मैं कर लूंगी। जी भाई मैं कर लूंगी। ठीक 11 बजे मुझे टेरेस पे मिलना, बहुत जरूरी काम है। यार 11 बजने वाले हैं, कहाँ रह गई तेरी भाभी? आ रही आ रही आ रही आ रही। जिग्नेश अभी देख कैसे काटता हूँ तेरी पतंग।
अरे हाँ हाँ आजा मेघना, मेघना ढील छोड़ना। भाभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? नकुल भैया ने जिग्नेश भाई से शर्त लगाई थी कि वो उनकी पतंग काट देंगे, लेकिन नकुल भैया हार गए और जिग्नेश भैया ने जिग्नेश ने क्या जिग्नेश भैया ने नकुल भैया का मेडल ले लिया। भाभी मेडल ले लिया? ऐसे कैसे ले लिया इस जिग्नेश के? पर भाभी शर्त तो मेडल की लगी थी। अब जिग्नेश भैया ने नकुल भैया को चैलेंज किया कि अगर उन्होंने ये पतंग काट दी तो वो उन्हें अपना मेडल वापस दे देंगे। दे मुझे। हाय। पतंग पे ध्यान दो वरना मेडल को याद करके जिंदगी भर हाया ही करते रह जाओगी। देखो आराम से ढील दो, ढील दो, जितना हो सके दो पर आराम से करो। नकुल क्या करो, पतंग नहीं संभाली जा रही तुमसे। कोशिश कर रहा हूँ ना उस तरफ से। चलो मेडल दो। मेडल कौन सा मेडल? बताओ तुम्हें कौन सा मेडल? सॉरी मजाक था। कोई शर्त वर्त नहीं लगी थी, हम आपसे झूठ बोल रहे थे। सिर्फ इसलिए कि तुम फिर से पतंग उड़ा सको। अच्छा लिसन जया, तुमसे हर बार बोलता हूँ कि वक्त और हालात में खुद नहीं बदलते, हमें कोशिश करके खुद बदलना होता है। और तुम्हारी खुशी और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक चीज़ है, वो है तुम्हारा डर। मैं चाहता हूँ तुम उसे निकाल के फेंक दो। लिसन जया, तुम ये गलत कर रही हो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, तुम बस 21 साल की हो और अभी से तुम जिंदगी से हार मान लोगी। हार मान चुकी हूँ। लिसन जया, अरे ओ कामचोर, आज के दिन रोटी नसीब होगी हमें। लाई बा। देख रही है अपने लाल को? मुझे लगा था निमेश के जाने के बाद ये मेरा सहारा बनेगा, मेरे साथ मिलकर घर संभालेगा, दुकान संभालेगा, मगर नहीं, इसे तो सिर्फ खेलना आता है। या तो बा और बापूजी के दिल से या फिर इस गिलास से। बापूजी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता। अरे इज्जत करता तो यहां रुक के हमारा साथ देता, घर बार छोड़ के मर्चेंट नेवी में भर्ती नहीं हो जाता। मर्चेंट नेवी में जाना मेरा एक सपना था, पर अपने सपने के पीछे भागना और उसे पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस घर की और आप सबकी जिम्मेदारी कैसे उठानी है, लेकिन आपने तो कभी भरोसा नहीं किया मुझ पर। ये क्या बकवास खाना है हा? बापूजी आप मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हैं? नकुल ये कोई तरीका हुआ अपने बापूजी से बात करने का? सॉरी बा, मैं भूल गया था कि मैं इस घर का एक मेहमान हूँ। भैया खाना तो खा लीजिए प्लीज। पेट भर गया मेरा इनकी जिद और ना समझी भरी बातों से। काश अब तो कोई समझ सके कि वक्त और हालात खुद नहीं बदलते, हमें उन्हें बदलना होता है, उनसे लड़के और उनका सामना करके। भैया प्लीज ऐसा मत करो, खा लो। एक दिन भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। ऐसे भूखा रहने से, ठंड में बाहर बिना जैकेट के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में तुम दूसरों को नहीं खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। यही बात मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अपने अरमानों को अपने सपनों को मार के खुद का नुकसान कर रही हो, खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। तुम एडमिशन फॉर्म भर दो, मैं खाना भी खा लूंगा और ये जैकेट भी पहन लूंगा। वैसे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। एक नंबर का जिद्दी।
खाओ खाओ। नहीं ओ जिद्दी, बहुत जिद्दी, महाजिद्दी, जिद्दी नंबर वन, राइट? ठीक है फिर मैं इसका क्या करूं? मर गई। क्या हो गया मेरे मेघू को? क्या हो गया? मेरा पैर ना भारी। क्या वाह, मेरे पैर पे भारी सामान गिर गया। अरे अरे यहाँ पे आ जा, आराम से बच्चे, आराम से संभाल। अरे अरे क्या करिए बता, कहाँ लग गया? ये देखो ना यहाँ पे लगा है। चिंता ना कर डिक्री, अभी ना मैं तेल की मालिश कर दूंगी ना, हाँ। तो तुझे आराम पड़ेगा। हाँ हाँ बा, हाँ। क्या करती रहती है तू बिना दिन भर? देखो ना अभी ठीक हो जाएगा। सूती क्यों मारी डिक्री ने? ओ मेरी लाडली। ओ सो मच नकुल, अगर तुम नहीं होते तो अपनी पढ़ाई पूरी करने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाती। जया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें हिम्मत देने के लिए। अब तुम अंदर चलो, मैं भी आया। कॉलेज जवानों ची, हाँ आगे पढ़ाई करनी है। आहा, वो तो अच्छा हो गया रमेश भाई ने हमें बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। खुद की मनमानी करेगी तू? तू चल। और सुन, इस कमरे के बाहर एक कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। बाप प्लीज ऐसा मत करो। तू चुप कर मेघना। और सुना छोकरी, आज से ये कमरा ही तुम्हारी दुनिया है, समझ गई? सॉरी बाप, मुझे बिना पूछे इसे खाना या पानी की एक बूंद भी दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अपने उस नेवी वाले भाई को भी बता देना ये बात, समझ गई? चल कांता। ठीक छे मासी, ठीक बराबर, मैं कल आता हूं। ठीक छे मासी, जय श्री कृष्ण। मैंने शांति मासी से बात कर ली है, कल सुबह ही मैं जया को गांव छोड़ के आता हूं। गांव में रहेगी तो अकल ठिकाने रहेगी, वरना शहर ने तो उसे बिगाड़ ही रखा है। नकुल भैया, नकुल भैया, भैया कहाँ थे आप? मैं तो बस अभी 5 मिनट पहले आया। बापू जी जया भाभी को शांति मौसी के घर गांव भेज रहे हैं। पर क्यों? भाभी एग्जाम देके आए, घर आके उन्हें बहुत डांट पड़ी भैया। मम्मी ने तो उन्हें चाटा भी मार दिया। क्या? अब उन्हें अपने रूम में लॉक कर दिया, ना खाना खाया ना पानी पिया है, कुछ नहीं। इतना डांटा, भाभी बहुत रो रहे थे भैया। मुझे नहीं पता अब हम क्या करेंगे, अगर वो शांति मौसी के घर चले गए तो क्या होगा? तू चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। जाते तो संभालो, पागल हो गए हो क्या तुम? रिलैक्स जया, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ तो मुझे ऐसे दीवारों पर चढ़ने की आदत है, और ये तो वैसे भी फर्स्ट फ्लोर था,
अगर ये 100 फ्लोर भी होता ना तो मैं बिना सोचे समझे आ जाता। मेरी जिंदगी कुछ और ही होती अगर मेरी शादी अगर तुम्हारी शादी क्या कहा जा तुमने चल तुम्हें मेरी कसम क्या कहा तुमने मेरी जिंदगी कुछ और ही होती अगर मेरी शादी तुमसे होती मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जया अभी भी देर नहीं हुई है हम आज भी साथ रह सकते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए सत्यानाश है तारू कहाँ चली गई अरे कहाँ छुपके बैठी है डायन डायन यही है आपके पीछे मेरे साथ खेल तमाशा अब देख मैं तेरे क्या हाल करती हूँ सत्यानाश है तारू कहाँ चली गई अरे कहाँ छुपके बैठी है डायन डायन यही है आपके पीछे मेरे साथ खेल तमाशा अब देख मैं तेरे क्या हाल करती हूँ बहुत हो गया बा अब अगर आपने कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा मेरा सामान यहां छूट गया बस वही लेने आई थी तुमने क्या सोचा था बच्चों का खेल है ये हा? जब भी जी चाहा सामान उठाया और कहीं भी चले गए आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ बताता हूँ तुझे मैं मुझे रुक हाथ उठाना तो दूर हाथ लगाने का सोचा भी तो जेल की हवा खिला दूंगी आप कौन है यही समझ ले जया अपना सामान उठाओ और चलो बापूजी काश आप लोग ये बात समझ पाते कि निमिष भैया की मौत उनकी खुद की गलती की वजह से हुई थी और इस सब में जया का कोई दोष नहीं है मगर फिर भी अगर हो सके तो जया को माफ कर देना और मुझे भी तो आज भी जय जैसी न जाने कितनी लड़कियां चुपचाप जुम सहती रहती हैं। वो हर रोज हर पल अपने एम्बिशंस
अपनी ड्रीम्स का गला घोटते हैं सिर्फ इस सो कॉल्ड सोसाइटी के डर से। आई फील इसके लिए मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा क्योंकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। सिंपल, आई फील इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, एक जिंदगी है, आपको अच्छे से जीनी है और ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। इफ यू वॉन्ट चेंजेस इन योर लाइफ सो बी द चेंज, अपनी आवाज को खोलो, रेज योर वॉइस लाउड एंड क्लियर, अपना एटीट्यूड बदलोगे ना सो ट्रस्ट मी कि लाइफ भी बदल जाएगी जिस तरह जया की बदली। बेशक उसने नकुल की मदद से अपनी आवाज उठाई, पर उठाई ना, और इसे मैं उसकी हिम्मत भी बोलूंगा और उसका हक। तो सुनो अपने दिल की, करो अपने मन की और जी लो अपनी जिंदगी। और आपको तो पता ही है कि मैं जाते जाते क्या बोलने वाला हूं, मेरा नाम है गौती।